जी नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मदरसे के सरपरस्त आला हाजी साहब, तो इनसे हम इनके तासुरात जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए इनकी तरफ इनसे पूछते हैं कि इनको यहाँ किन किन मसाइल का सामना है। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम, कैसे हैं आप? दुआ है अल्लाह की मेहरबानी है, शुक्र। अच्छा, आप हमें ये बताएं, हमारे नाजरीन को बताएं कि आपको मदरसे के हवाले से या और रोड के कचरा पानी किन चीज़ों का किन किन मसाइल का आपका सामना है, आप हुकूमत को क्या क्या शिकायत और क्या क्या मुतालबे हैं आपके? सबसे पहली बात तो ये है कि हमारा रोड बिल्कुल ख़त्म हो गया है। हमें मदरसे की दीवार के साथ ये नहीं है, लेकिन ये हटकर रोड सारा घिरे हुए, जाने आने को हर आदमी को परेशानी, और लोग कचरा डालते हैं मदरसे के साथ। आप कम से कम उनके लिए कुछ करें, और जितनी बिजली वगैरह कुंडे की है वो सब चल रही है, सबको पता है, अब हमें क्यों मतलब परेशान किया जा रहा है। अच्छा, आपने ये जो कचरा पड़ा है, ये रोड है, इसमें कचरा, आपने इसकी कंप्लेंट जो है यूसी ऑफिस तक या इसके जिम्मेदार उन तक आपने पहुँचाई या नहीं पहुँचाई? हम पहुँचाते हैं तो कोई सुनाई नहीं होती, मैंने तो बहुत आगे तक पहुँचाई थी और मेरे पास कापियाँ भी पड़ी हूँ। लेकिन आपका ये कहना है कि आपने इनकी तमाम कंप्लेंट जो है ऑफिस तक पहुंचाई, लेकिन वहाँ वो सुनवाई नहीं करते, इसकी सुनवाई नहीं होती, बोल के टाल मटोल करके भेज देते हैं, यही कहना है आपका? और इस बहुत गंद हो रहा है, फिर बकरादारी हालात, फिर यहाँ रोड पर होंगे, गाड़ियाँ आए गवर्नमेंट की तो सफाई हो, समझे ना, और इलाके वालों को चलने के लिए रास्ते बिल्कुल तमाम बंद है, ये रोडें वोडें बिल्कुल, जाने आने के लिए आदमी लेडीज हर आदमी परेशान है। कम से कम ये रोड खुले हो, अपनी मजदूरी करे, ठेला लगाया है तो किनारे लगाया ले जाए, शाम को खाली हो जाए, कम से कम इसको सफाई कराई जाए, देखभाल की जाए, ये तमाम। अब ये रोड खुद गया है तो अब बढ़ेगा नहीं, अब ये सालों बढ़ना मुश्किल है, हर आदमी को तकलीफ है, जाने को आने को, ना गाड़ियाँ जा सकती है ना आ सकती है, हमें कम से कम ये मुसीबतें टल जाए, एक गाड़ी खड़ी है तो दूसरी रोड पर निकल नहीं सकती, कम से कम ये है कि साइड में खड़े हो, अपना बेचा धंधा करें, अपना घर जाए, हमें क्या तकलीफ, लेकिन किसी का रास्ता ना बंद किया जाए, ब्लॉक किया जाए। आपसे पूछा, उन्होंने उनसे गुफ्तगू की और उन्होंने भी ये बताया कि यहाँ पर मसले मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, पानी के खास तौर पर, रोड का, रोड के उनके इतने मसले मसाइल हैं कि यहाँ पर वो बोल रहे हैं गाड़ियों की बहुत परेशानी हो जाए, ट्रैफिक जाम हो जाती है, ट्रैफिक जाम हो जाती है रोड की वजह से। उनका ये कहना है कि कम से कम यहाँ के रोड जो है पक्के करवा दिए जाएँ और पानी का मसला हल करा दिया जाए, कचरा है कचरा हटवा दिया जाए, गली मदरसे के बिल्कुल दीवार के बराबर में इतना कचरा पड़ा हुआ गली के कोने के ऊपर, दोनों साइड में अलग है, मदरसा है, पाक जगह है, वहाँ पर कचरा नहीं होना चाहिए, अंदर कुरान मजीद पढ़ा जाता है, लेकिन यहाँ के जो है अहदेदारान जिम्मेदारान जितने भी हैं यहाँ पे, वो सैलरियाँ किस चीज़ की ले रहे हैं, और ये पैसे, अगर ये बोल रहे हैं कि हम ऑफिस में कंप्लेंट करते हैं, वो टाल मटोल करके हमें वापसी भिजवा देते हैं, कोई सुनवाई नहीं करते, तो इनका ये मुतालबा है, हुकूमत से मुतालबा है कि यहाँ के इनके जो मसले मसाइल हैं वो हल किए जाएँ, उनकी परेशानियों को दूर किया जाए।